ठिकाने लग जाए। हर मोदी घर घर मोदी। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से ताल ठोक रहे बीजेपी के उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं, उसने टीपू की नींद उड़ाकर रख दी है। निरहुआ की चुनौती से घबराए अखिलेश भले ही सो नहीं पा रहे हों, लेकिन भोजपुरिया स्टार तो जमकर दिन भर प्रचार कर रहे हैं और मजे की नींद के साथ साथ सुनहरे सपने भी देख रहे हैं, और सपने भी ऐसे जिसमें विरोधी भी उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। और इस बार निरहुआ को जिनके हाथों से आशीर्वाद मिला है उनका नाम जानकर जितनी हैरानी आपको होगी उससे भी ज्यादा परेशानी अखिलेश यादव को होगी। निरहुआ को जीत का आशीर्वाद देने वाले ये हाथ खुद अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के थे, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि निरहुआ आजमगढ़ में उनके बेटे अखिलेश यादव को बुरी तरह से धूल चटा दें। लेकिन मुलायम ने ऐसा क्यों कहा, अब आप खुद ही सुन लीजिए खुद निरहुआ के मुंह से। नेताजी अन्ना हमारे सपना में हम सोचने की यो मने करिया हम कभी जी प्रणाम आपो मने करा अलवा का कहना नहीं हम ही करा लें कि बहुत सही चपले हुए चपले रहे करे हम बोली कहा है कहना रे वो हमारे को बात सुनते है ना हमारा लड़का है लेकिन हमारे को बात सुनत ना एक बेरे जैसे चाप के हरा देवे ना भाई एकर बुद्धि सही ठिकाने लग जाए। आई सही गलत का अंतर इनके समझ में आवे लगी कि का सही है का गलत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ सीट से ही चुनाव लड़ा था और मोदी की जबरदस्त लहर के बीच जीत हासिल की थी। लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अब ना तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की वो पार्टी रही जिसमें उनके नाम की तूती बोलती थी, और ना ही मुलायम सिंह का वो कद रहा। अब ये अखिलेश की पार्टी है जिसमें जो अखिलेश कहते हैं वही होता है। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश को लेकर भी तंज कसा। जब मुलायम निरहुआ को सपने में जीत का आशीर्वाद दे रहे थे तो निरहुआ ने भी उन्हें एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि बेटा कितना भी लाडला क्यों ना हो उसे सिर पर चढ़ाना नहीं चाहिए। आजमगढ़ में आखिरी चरण में 19 मई को चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव अभी अपनी पार्टी के लिए पूरे यूपी में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश आजमगढ़ को ज्यादा समय नहीं दे पाए हैं। इधर निरहुआ कई दिनों से लगातार यहां के लोगों के बीच में बने हुए हैं और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ भले ही सपा का गढ़ माना जाता हो लेकिन निरहुआ इस बार अखिलेश के लिए चुनौती बने हुए हैं। देखना है इस जंग में कौन बाजी मारता है। ये पहले ही दिन जब मैं आजमगढ़ आया तो पूरे आजमगढ़ ने बता दिया, पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि उनका मिजाज क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं विरोधी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 70 किलोमीटर तक रोड पे लोग खड़े थे वो खाली निरहुआ को देखने आए थे, पर उन लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं वो सारे वीडियो क्लिप्स जिसमें जो लोग भी खड़े थे और वो हमारे साथ चलने वाले नहीं थे। वो तो मैं शूटिंग कर रहा था बनारस में और मैंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं कल जो है आ रहा हूँ आजमगढ़। और जब मैं आजमगढ़ में घुसा, अपने गांव बॉर्डर पे ही मेरा घर है, तो आजमगढ़ में जैसे मैं घुसा वैसे लोग जो स्वागत करना शुरू किए और लोग जो खड़े होके नारे लगा रहे थे वो निरहुआ निरहुआ नहीं कर रहे थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब आजमगढ़ को भी पूरे देश की तरह मोदी जी चाहिए, ये बता रही थी आजमगढ़ की जनता। तो मुझे लगता है कि मुझ पे जो भरोसा करके उन्होंने भेजा है मैं उन पे भरोसा कर रहा हूँ, और मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। आज मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, शहरों में भी घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जो काम
प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किया है, 5 साल में जो काम किया है, वो लाभ जनता तक पहुंचा है, लोगों के घरों तक पहुंचा है। ये कारण है कि आजमगढ़ भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। देखिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 91 में एक ही बार आजमगढ़ में कमल खिला था, तब से लेकर अभी तक सपा बसपा का एक गढ़ रहा है जो कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो आप, मैंने देखा कि आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, आप जमीनी स्तर पे देख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या दिखा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं भी लगता है कि आजमगढ़ विकास की धारा से अभी भी अछूता है? बहुत अछूता है। अब जब मैं निकलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो आजमगढ़ को इस बात का आभास हो रहा है कि उन्होंने यहाँ से एक विधानसभा छोड़ के बाकी 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया, विधायक बनाया, पर उसका अंजाम क्या हुआ है? न कोई सड़क बन रही है, न कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से उन्होंने सांसद चुना नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, अब वो यहाँ से सांसद बने गए और फिर दिखे ही नहीं। आजमगढ़ वो अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए, ये यहाँ की जनता ही बताई मुझे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि हम इमोशन में आके इनको चुन तो लेते हैं, पर ये इमोशन उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर भी अगर वो प्यार होता तो फिर बात बनती। जैसे ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, मैं भी मानता हूँ कि आजमगढ़ आपका गढ़ है, आजमगढ़ के लोग आपको प्यार करते हैं, पर आप क्यों नहीं उनसे प्यार करते हैं? सवाल ये है कि ये जनता जान चुकी कि हम तो भाई उन पे भरोसा करते हैं, पर वो हमें वो प्यार नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं, मतलब आपको पता है कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, फिर भी आप आ रहे हैं अपने उन्हीं 9 विधायकों की तरह यहाँ के सांसद बनने, और फिर ये राग अलापने कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको तो अभी पता है कि सरकार नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं आजमगढ़ के लिए। तो जो आजमगढ़ के लिए करने वाले हैं आप उनको करने दीजिए। इस मामले में तो बहन जी बहुत समझदारी का काम किया उन्होंने, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, उनको पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ के लिए करेंगी क्या? कुछ कर नहीं पाएंगी। तो ये बात अखिलेश भैया को भी समझना चाहिए कि जब यहाँ के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आप ये कहते हैं कि आपका घर है, तो आप इन लोगों को क्यों पीछे ढकेलने के लिए आ रहे हैं? इनको मुख्य धारा से जुड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? कि अब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी के साथ जब आजमगढ़ के लोग भी खड़े होंगे तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का बहुत तेजी से विकास होगा, जो आपके बनने से नहीं होगा, क्योंकि आप सरकार में नहीं होंगे, आप कुछ करेंगे ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता जितना उनको प्यार करती है, वो प्यार आजमगढ़ से नहीं करते हैं, वो सिर्फ यहाँ जीतने आते हैं, स्वार्थ में आते हैं और जीतने के बाद चले जाते हैं। ये बात जनता समझ चुकी है, और यही बात जो है जनता उनसे पूछेगी और जनता उनको हराएगी भी। चलिए सर, एक बात आती है, प्रधानमंत्री से आपने बात निकली तो अभी भी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं जो ने अभी अभी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में गए हैं, और अभी अभी उनका बड़ा बयान आया है कि प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मायावती और अखिलेश यादव जैसे होने चाहिए, जो कि एकदम जिनमें काबिलियत है और जिनमें काम करने की तत्परता है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो हमारे सीनियर कलाकार हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी बहुत फिल्में देखा हूँ। लेकिन वो तो अपने प्रधानमंत्री अखिलेश यादव में ढूंढ रहे हैं। हाँ, देखिए वो ढूंढ रहे हैं, पर बात ये है कि क्या अखिलेश भैया खुद में ढूंढ रहे हैं? जब अखिलेश जी खुद ही कह रहे हैं कि वो नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब ऐसे आदमी में आप ढूंढ के क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं?
जो आदमी प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है उस आदमी को आप ये कह रहे हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।